आज हम आए हैं इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करने के लिए उन्नति मोटर्स महिंद्रा। ये जो है मोहम्मद अली पेट्रोल पंप के पास में है कामटी रोड पे। तो अगर आपको महिंद्रा की कोई भी गाड़ी की इंक्वायरी रहेंगी या फिर कोई भी गाड़ी की डिटेल जाननी रहेंगी तो आप इस शोरूम के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर से आप इनको कॉल कर सकते हैं और यहाँ पे आके आप विजिट कर सकते हैं। तो आज हम आपको महिंद्रा XUV700 का आपको इसका इंटीरियर दिखाने वाले, किस तरह से रहता है इसका इंटीरियर, आइए आज इस वीडियो में आप पूरा देख लीजिए। तो सबसे पहले इस की का फीचर बता देता हूँ। ये की का फीचर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। पहले अनलॉक तो सिर्फ ड्राइवर साइड का ओपन होगा, फिर एक और बार अनलॉक दबाने के बाद सारे दरवाजे के जो है डोर हैंडल वो पॉपअप हो जाएंगे एंड देन उसके बाद जस्ट आपको ऐसे पुल करना है और दरवाज़ा जो है बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ओपन हो जाएगा। सबसे पहली बात, ये दरवाजे का जो डोर पैड है वो बहुत अच्छी क्वालिटी में दिया है। फिट फिनिश लेवल जो है बहुत अच्छे दिए गए। यहाँ पे व्हाइट कलर का जो ट्रीटमेंट है उसका इस्तेमाल किया गया और ये जो सफ़ेद वाला दिख रहा है ये एम्बियंट लाइट है। इसमें इस गाड़ी में आपको एम्बियंट लाइट भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। एंड देन ये जो है ये सीट एडजस्टमेंट फंक्शन है इस गाड़ी का, इलेक्ट्रॉनिकली सीट एडजस्टमेंट मिलता है इस गाड़ी में। बहुत ही ज़्यादा क्विक और बहुत ही ज़्यादा स्पीड है इसका रिस्पॉन्स। अभी जैसे कि मैंने ये बटन हल्की सी प्रेस किया तो अभी देखना आप बहुत ज़्यादा जल्दी से जो ये ट्रैवल कर लेता है, मतलब इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कवर कर लेता है और ये जो है बहुत एक्यूरेट और साथ ही साथ जो बहुत रिस्पॉन्सिव है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे की बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको हल्का सा सिल्वर फिनिश में आपको ट्रीटमेंट देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है, प्रीमियम टच है। और यहाँ पे भी आपको सिल्वर डोल हैंडल और यहाँ पे अनलॉक लॉक का जो फीचर है वो भी सिल्वर में मिलता है। एंड देन उसके बाद जो है यहाँ पे बहुत बड़े तरीके से पियानो ब्लैक फिनिश में पावर विंडो कंट्रोल मिलते हैं, लॉक अनलॉक और साथ ही साथ यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक भी मिलेगा और चारों पावर विंडो के स्विचेस भी यहीं पे मिलेंगे। ORVM कंट्रोल करने के लिए आपको यहीं से मिलेगा, आउटसाइड रियर भी ORVM और साथ ही साथ इसको बंद करना है और ओपन करना है तो ये वाली बटन भी यहीं पे मिलेंगी। ये जो है ये पूरा लेदर में बनाया गया है, सॉफ्ट टच मटेरियल है और साथ ही साथ यहाँ पे जो है ये पूरा पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है। पियानो ब्लैक फिनिश जो है बहुत अच्छी लगती है, बहुत प्रीमियमनेस जो है आपको फील होगा। एंड देन उसके बाद जो है डोर पैड दिया है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और यहाँ पे आपको 1 लीटर की बॉटल होल्डर और थोड़ा बहुत सामान और यहाँ पे आपको जो है अम्ब्रेला होल्डर भी मिलता है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। आपको अम्ब्रेला भी होल्ड कर सकते हो इस गाड़ी के जो डोर पैड है उसमें और साथ ही साथ यहाँ पे आपको स्पीकर कंपोनेंट मिलता है और यहाँ पे जो है आपको एक ट्विटर कंपोनेंट मिलता है। सोनी के 12 स्पीकर म्यूजिक सिस्टम है, बहुत ज़्यादा लाउड है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा म्यूजिक सिस्टम इस गाड़ी में आता है। और ये रहा इसका लाइट, अगर कोई दूर से पीछे से आ रहा है तो उसको दूर से ही दिख जाएगा कि यहाँ पे कोई गाड़ी का दरवाज़ा ओपन है। रेड कलर का लाइट है, अंधेरे में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है ड्राइवर साइड में आपको एक विंग प्लेट मिल जाएंगी, गाड़ी का जो है सीरियल नंबर और साथ ही साथ इंजन नंबर भी यहीं पे मेंशन किया हुआ रहेगा। और यहाँ पे आपको टायर इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी, टायर के रोटेशन कब करने हैं और साथ ही साथ जो यहाँ पे कितना एयर आपको प्रेशर भरना है इस गाड़ी के लिए। और अभी मैं ड्राइवर सीट की जो बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको लंबर सपोर्ट भी देखने को मिलता है, आप अपने हिसाब से जो लंबर सपोर्ट को एडजस्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है यहीं पर आपको जो है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का बटन और डाउन हिल असिस्ट का जो है बटन भी मिल जाएगा। यहाँ पे डाउन हिल असिस्ट भी आता है, ये तो बहुत पहले से आता है XUV के जितनी भी रेंज है उसमें सब में। यहीं पे आपको हेडलाइट लेवलर एडजस्टमेंट मिल जाएगा, आप 3 लेवल तक जो इसका हेडलाइट लेवल एडजस्ट कर सकते हो। और ये रहा इसका ड्राइवर साइड का AC वेंट, क्रोम फिनिश में है, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भी आपको हल्की सी क्रोम फिनिश मिलेंगी, ऑफ़ करने के लिए आपको जस्ट ऐसा करना है, इधर साइड में पूरा फुल ऑफ हो जाएगा और यहाँ पे आप करोगे तो फुल ब्लोअर ओपन हो जाएगा, एडजस्ट कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। यहाँ पे आपको AC वेंट मिलता है। देन उसके बाद अब आप गौर करोगे तो ये वाला जो है बहुत बड़ा डेड पेडल है, प्रॉपर डेड पेडल है, पूरा का पूरा जो है आपका पैर आराम से रेस्ट कर सकता है। और ये रहा इसका बड़ा वाला जो है ब्रेक, बहुत अच्छा लगता है, पेडल फील बहुत अच्छी है। और ये रहा इसका एक्सेलरेटर पेडल, बहुत बड़े तरीके से दिया है, बहुत अच्छी फील के साथ आता है और साथ ही साथ जो है इतनी सारी स्पेस मिलती है आपको ड्राइवर साइड के लिए। मैं आपको गाड़ी के अंदर बैठ के दिखाता हूँ गाड़ी के अंदर का कैसा है और साथ ही साथ स्टीयरिंग कैसा है, ये जो दो स्क्रीन है 10.25 इंच की ये दोनों कैसी है। तो ये रहा गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील, महिंद्रा XUV700 का जो स्टीयरिंग व्हील है फर्स्ट इन द महिंद्रा, मतलब महिंद्रा में सबसे पहली बार यूज़ किया हुआ है, नया वाला स्टीयरिंग व्हील है, नया वाला महिंद्रा का लोगो। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको मीडिया रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा और साथ ही साथ ये जो कंट्रोल है ये इसका इंस्ट्रूमेंट पैनल जो है उसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको कंट्रोल दिए गए हैं। यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल मिल जाएंगे। इसमें फ्रंट वाइपर भी आता है, रियर वाइपर भी आता है, रियर डिफॉगर भी आता है, रियर वाशर भी आता है, ठीक है। अब मैं बात कर लूँ इसकी स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की, तो स्टीयरिंग एडजस्टमेंट में इसको ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसा भी हो सकता है। और ये हो गया इसकी स्टीयरिंग रिलेटेड बात। अब इसकी जो फिट और फील और फिनिश है बहुत अच्छी है लेदर फिनिश में और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको अंगूठे रखने के लिए बहुत अच्छा स्लॉट मिलता है और साथ ही साथ आप इस गाड़ी को जो है पूरा कंट्रोल कर सकते हो। इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत अच्छा है, बहुत। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ इसमें जो ये स्क्रीन आती है 10.25 इंच की स्क्रीन, ये बहुत ही ज़्यादा लेजिबल है, बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और बहुत ही अच्छी दिखती है।
ठीक है, अब मैं बात कर लूँ इसकी जो ओवरऑल इंटीरियर है, इंटीरियर का लाइट कुछ इस तरीके से दिया है। आपको इसमें डुअल टोन देखने को मिलेगा, ब्लैक प्लस वाइट। ये जो है ये PU लेदर है, बहुत सॉफ्ट लगता है और फील करने में भी बहुत प्रीमियम लगता है। एड्रीनोक्स की बैजिंग। ये जो दो स्क्रीन है वो पूरे सिंगल पीस यूनिट में आती है, तो ऐसा लगता है कि ये पूरा एक ही स्क्रीन का ट्रीटमेंट है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा जो है बाइफर्केशन मिलेगा, मतलब यहाँ पे आपको थोड़ा सा जगह मिलेंगी, जिस वजह से ये डिफरेंशिएट करता है कि आपका इंस्ट्रूमेंट पैनल अलग है और साथ ही साथ जो आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम अलग है। एंड देन उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे में बात करूँ डैशबोर्ड की, तो यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिलेंगी, बहुत अच्छी लगती है। इन हैंड फील जो है ग्लॉसी सिल्वर फिनिश, बहुत अच्छा लगता है फील करने में। यहीं पर जो है आपको लोअर हाफ जो है आपको डैश मटेरियल का मिलेगा, और ये रहा इसका ग्लो बॉक्स, बहुत बढ़िया ग्लो बॉक्स है और बहुत बड़ा ग्लो बॉक्स है। यहाँ पे आप टैबलेट वगैरह रख सकते हो, इतना ज़्यादा बड़ा ग्लो बॉक्स है, पर यहाँ पे आप मैनुअल रख देना और यहाँ पे जो है आप कुछ भी बॉटल वगैरह जो होंगी वो कैरी कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको AC के कंट्रोल मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको दो AC वेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा चिल कर देते AC वेंट। अभी भी जो है थोड़ी सी गाड़ी चल के आई थी तो अभी भी ठंडा ठंडा लग रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेंगी, यहाँ पे भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिलेंगी, और ये सिल्वर वाला जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ तक कंटिन्यू किया जाता है, यहाँ से लेके तो पूरा जो ड्राइवर सीट है वहाँ तक कंटिन्यू किया जाता है यहाँ तक। ठीक है, अब मैं बात कर लूँ इसके AC के कंट्रोल की, तो यहाँ पे आपको डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, मतलब ड्राइवर साइड का जो टेम्परेचर है वो अलग और को पैसेंजर साइड है उसका भी जो टेम्परेचर है वो अलग रहेगा। कैसे, जस्ट आपको ये वाली बटन दबानी है जो आपका डुअल जोन है वो एक्टिवेट हो जाएगा। एंड देन ये इसके डिफॉगर की बटन, ये फैन स्पीड कंट्रोल करने की बटन, और ये ऑटो AC, और ये रिसर्कुलेशन ऑन करना है ऑफ़ करना है उसकी बटन। यहाँ पे मोड दिया गया है, यह मतलब मोड का मतलब ये है कि आपको अगर मुंह पे हवा चाहिए, पैरों पे हवा चाहिए, या फिर डिफॉग भी होना, और फिर डिफॉग के साथ साथ आपको पैरों में भी हवा होना, तो ये वाले जो बटन से आप वो चेंज कर सकते हो। मैक्स AC मतलब जो एकदम से अगर आपकी गाड़ी गर्म है और आप उसको मैक्स AC को यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और ये रियर AC ऑफ़ करना है या फिर ऑन करना है उसकी बटन, और ये AC को ऑफ़ करना है या ऑन करना है उसकी बटन है। ठीक है, एंड देन ये इसके चारों इंडिकेटर ऑन करने की बटन, और ये इसका 360 डिग्री पार्किंग कैमरा ऑन करने की बटन, और ये जो है ये बटन स्क्रीन सेवर की है, इसके वाले जो स्क्रीन इसको सेव करने के लिए, मतलब ये ऑफ हो जाएगा उसके लिए जो है यहाँ पे आपको बटन दी गई है। यहाँ पे आपको दो चार्जिंग सॉकेट मिलते हैं, ये रहे इसके दो चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे जो है यहाँ पे अच्छे खासा जो है स्पेस मिल जाता है, यहाँ पे आप अपना फ़ोन भी रख सकते हो, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाती है, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो भी मिल जाता है, बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत निफ्टी चीज़ है। एंड देन उसके बाद जो है ये गाड़ी जो है ऑटोमेटिक है, तो यहाँ पे आपको शिफ्ट लॉक भी मिल जाएगा, PRN D, फुल्ली ऑटोमेटिक गाड़ी है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये वाली बटन दबानी है, ब्लैक वाली, ग्लॉसी ब्लैक वाली, और फिर इसको पीछे खींचना है, डी पे लाना है, और आप गुड टू गो। आपको बहुत ज़्यादा आसानी होंगी इस गाड़ी को चलाने में, और साथ ही साथ इसमें ADAS वाला जो फीचर है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ आपको जो है, मैं अगर आपको इन शॉर्ट में बताऊँ ADAS का फंक्शन, सिर्फ आपको घर से गाड़ी निकालनी है, गली से गाड़ी निकालनी है, सिर्फ आपको हाईवे तक टच करना है, जैसे ही आप हाईवे पे लग गए तो गाड़ी फुल्ली ऑटोमेटिकली चलेंगी, सिर्फ आपको स्टेयरिंग पे जो है आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक लेन की असिस्ट भी है, ये सारे फीचर जो इस गाड़ी को जो बहुत ज़्यादा जो है यूज़र फ्रेंडली बनाते हैं, और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी बनाते हैं। देन इसमें आता है आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और साथ ही साथ ऑटो होल्ड का फंक्शन, ये जो है ये बहुत अच्छा चीज़ है। अब कैसा रहता है ना, आपको हैंड ब्रेक लगाने के लिए ताकत लगानी पड़ती थी, 7 पॉइंट तक जो है आपको खींचना पड़ता था, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक है ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, जिस भी कंडीशन में आप हैंड ब्रेक लगाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है इंगेज हो जाएगा। जनरली क्या होता है ना, गाड़ी कैसी अगर स्लोप पे खड़ी रही, मतलब सामने में स्लोप है ऐसी, इस तरह की स्लोप रहती है, तो गाड़ी पीछे आने को देखती है, तो ऑटो होल्ड वाला जो फंक्शन है ना, ये ब्रेक लगा के रखेगा, गाड़ी को इंगेज करके रखेगा, जिस वजह से जो आपकी गाड़ी पीछे नहीं होंगी, पीछे रोल ओवर नहीं होंगी, उस वजह से जो आपकी गाड़ी एक जगह पे रुकी रहेंगी, जैसे ही आपने एक्सेलेरेटर पेडल दबाया तो गाड़ी सीधा आगे जाएंगी, 1 इंच भी पीछे नहीं आएंगी, 1 mm भी पीछे नहीं आएंगी, सीधा जो है गाड़ी आगे चले जाएंगी, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। और साथ ही साथ जो इस गाड़ी में इंटेली कंट्रोल है, इंटेलिजेंस कंट्रोल, ये वाला जो सिस्टम है बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत प्रीमियम गाड़ियों में आता है, लेकिन फर्स्ट इन द सेगमेंट अभी तक के कोई गाड़ी में नहीं देखा था, पहली बार जो है महिंद्रा XUV700 में देखने को मिल रहा है ये वाला कंट्रोल। ये वाला जो कंट्रोल है, इससे जो है आप इस एड्रेनोक्स वाला जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है उसको कंट्रोल कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ आता है, क्रोम फिनिश के साथ। यहाँ पे आपको थोड़ी सी नर्लिंग भी प्रोवाइड की गई है ग्रिप करने के लिए, आपकी फिंगर्स की जो ग्रिप है वो होने के लिए। यहाँ पे पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है, ये जो बटन है पूरी पियानो ब्लैक फिनिश में, साथ ही साथ जो ये पूरा जो लेआउट है वो सिल्वर फिनिश में दिया गया है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। महिंद्रा ने जो है कलर के साथ बहुत अच्छा खेला है, बहुत अच्छी लगती है गाड़ी इंटीरियर में, एक्सटीरियर में बैठने के बाद। इसका जो डिज़ाइन है ओवरऑल बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव डिज़ाइन इस गाड़ी में मिलेगा आपको। देन उसके बाद
बाद मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे आपको अगर गाना लगाना होगा तो गाने की बटन ये वाली रही, म्यूजिक सिस्टम की बटन, और ये रही इसकी बैक की बटन, ये रही इसकी कॉलिंग फंक्शन, और ये रहा इसका फेवरेट्स। और ये जो रोटरी डायल है इसको आप आगे भी कर सकते हो, पीछे भी कर सकते हो, लेफ्ट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो, साथ ही साथ इसको दबा भी सकते हो। ओके, आगे पीछे जो है सारी चीज़ जो है आप इस रोटरी डायल से कर सकते हो, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा स्पेस मिलता है, ये आपको थोड़ा सा स्टोरेज कंपार्टमेंट मिलता है। ये जो है ये आपकी चाबी रखने के लिए जगह है, यहाँ पे एक की आराम से आ जाएंगी। एंड देन यहाँ से निकालने के बाद इसमें आपको कूलिंग फंक्शन भी देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अगर आपने कोई छोटी मोटी जो है ड्रिंक वगैरह रखी होंगी तो आप यहाँ पे रख सकते हो और उसको कूल भी कर सकते हो, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे अच्छी खासी स्पेस भी मिल जाती है। और ये पियानो ब्लैक फिनिश में, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। पूरी गाड़ी प्रीमियम बनाई गई है इंटीरियर के मामले में, एक्सटीरियर के मामले में बहुत अच्छा लगता है गाड़ी देखने में। तो ये जो 10.25 इंच की जो स्क्रीन है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, तो इसके लिए जो है मैं इसका डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए मैं आपको इस गाड़ी के पीछे की सीट दिखाता हूँ और जो लास्ट रो वाली सीट है वो भी उसमें भी बैठ के दिखाता हूँ। तो ये रहा इसका पीछे का डोर, और यहाँ पे भी आपको सेम ट्रीटमेंट मिलेगा, वाइट, सिल्वर और ब्लैक, बहुत अच्छा लगता है कॉम्बिनेशन देखने में। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको पियानो ब्लैक फिनिश में चारों के चारों जो डोर हैंडल है इनसाइड वाले वो बहुत अच्छे लगते हैं, होल्ड करने में भी अच्छे लगते हैं, फील करने में भी अच्छे लगते हैं। एंड देन ये रहा इसके पावर विंडो का कंट्रोल, और यहाँ पे जो है आपको कॉइन वगैरह रखने के लिए जगह मिल जाएंगी। एंड देन जस्ट उसके नीचे में आपको 1 लीटर की बॉटल आप रख सकते हो, साथ ही साथ थोड़ा बहुत अगर आपको कुछ सामान रखना होगा तो आप वो भी रख सकते हो। यहाँ पे आपको स्पीकर कंपोनेंट मिल जाता है। और ये रहा इसका पीछे का जो है इंटीरियर, बहुत अच्छा इंटीरियर है, वाइट कलर जो है बहुत अच्छा लगता है देखने में। एंड देन इसकी जो सीट है, पीछे की सीट को एक्सेस करने के लिए जस्ट आपको 1 टच टंबल करना पड़ेगा, और ये जो सीट है पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली जस्ट मैंने इतना सा बटन को दबाया एंड देन उतने में ही ये पूरी की पूरी सीट जो है पीछे चली गई। अभी जो है मैं आपको पीछे की सीट में बैठ के दिखाता हूँ। अभी मैं पीछे की सीट में बैठ चुका हूँ और मुझे जो है लेगरूम में थोड़ी बहुत जो है स्पेस मिल रही है, और साथ ही साथ जो मेरा हेडरूम है वो भी थोड़ा बहुत जो है स्पेस मिल रहा है। यहाँ पे मुझे एक हैंडल मिलता है और यहाँ पे भी एक हैंडल मिलता है, और यहाँ पे भी आपको हुक मिलता है, यहाँ पे आपको एसी वेंट भी मिलता है। अब इस एसी वेंट को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे आपको नॉब मिल जाएगा, यहाँ पे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिल जाएगा, यहाँ पे कप होल्डर मिल जाएगा, और यहाँ पे जो है हुक मिल जाएगा, और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको जो है सब वूफर मिल जाएगा देखने के लिए। और ये रहा इसका एसी वेंट, पीछे के पैसेंजर के लिए भी एसी वेंट मिलता है, दोनों तरफ एसी वेंट है, और साथ ही साथ जो है बैठने में भी सीट कंफर्टेबल है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको हेडरेस्ट भी मिल जाता है। ये हेडरेस्ट जो है ये एडजस्टेबल भी है, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। एंड देन यहाँ पे जो है यहाँ पे आपको ISO फिक्स चाइल्ड सीट माउंट भी मिल जाएगा, और यहाँ पे 3 पैसेंजर के लिए प्रॉपर 3 सीट बेल्ट मिलते हैं, ये मिडिल पैसेंजर के लिए और 2, 1 इधर में और ठीक 1 उसके अपोजिट में जो है आपको सीट बेल्ट मिल जाएंगे। एंड देन उसके बाद मैं बात कर लूँ पीछे की एसी, तो पीछे में जो एसी वेंट दिया गया है वो कुछ इस तरीके से सिल्वर फिनिश के साथ साथ यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम देखने को मिलेगा, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। और ये एसी वेंट इतना ज़्यादा पावरफुल है कि ये पीछे के पैसेंजर को आराम से चिल कर देगा। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टाइप सी का चार्जिंग पोर्ट भी मिलता है, और यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए थोड़ा सा होल्डर मिलता है। यहाँ पे जो आपको स्कूप्ड आउट सीट बैक मिलती है, मतलब ये स्कूप्ड आउट है, थोड़ी सी स्कूप्ड रहती है, और साथ ही साथ यहाँ पे आप मैगजीन भी होल्ड कर सकते हो। और साथ ही साथ जो है इस गाड़ी में इस साइड में जो है यहाँ पे आपको बॉस मोड मिलता है। बॉस मोड बोले तो क्या, आप गाड़ी का जो को पैसेंजर वाली सीट है उसको आगे पीछे दोनों कर सकते हो, फॉर मैक्सिमम लेग रूम और फॉर मिनिमम लेग रूम, इसको जो है आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, आपको जितनी नीड है उसके अकॉर्डिंग जो है इस सीट को जो है आप एडजस्ट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से रहा हमारा इस गाड़ी के साथ इंटीरियर का एक्सपीरियंस। अगर आपको भी यह गाड़ी पसंद आई होंगे तो आप जो उन्नति मोटर में विजिट कर सकते हैं, इस गाड़ी की बुकिंग ले सकते हैं, और साथ ही साथ आपको इस गाड़ी के बारे में और भी कुछ जानना रहा तो आप जो है उन्नति मोटर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मोहम्मद अली पेट्रोल पम्प के पास जो है ये आता है और कामटी रोड पर है। एंड देन अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, यह वीडियो उनके साथ शेयर करें जो ये गाड़ी लेने का प्लान कर रहा होगा। अगर आपको भी इस गाड़ी के रिलेटेड कुछ सजेशन होगा या फिर कोई वीडियो आपको डिमांड में होंगे तो आप जो है वैसा कमेंट कर सकते हैं, हम उसका जो वीडियो आपके लिए अरेंज करवा देंगे। तो इस वीडियो को शेयर करें उनके साथ जो भी ये गाड़ी प्लान कर रहा है। मिलते हैं हम आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।